वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। खबर आई है कि जहां डंपर का पीछा कर रही खनिज विभाग की टीम पर अवैध रेत से भरा डंपर चढ़ाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि डंपर के मालिक कान्हा यादव ने सरिया उठाकर टीम पर हमला किया। इसके बाद मालिक बंदूक की नोक पर खाली डंपर लेकर भाग गया। इस मामले में खनिज इंस्पेक्टर राजीव गंगले ने पुलिस थाने में शिकायत कर दी है और तत्काल प्रभाव से मुरार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हाँ, ये रेवेन्यू अधिकारी हैं राजेश कुमार गंगेले। ये इनके द्वारा कल अवैध रेत उत्खनन पर जो कार्रवाई की जा रही थी, बिजोली क्षेत्र अंतर्गत से कोई ट्रैक्टर ट्रॉली निकली हुई, इसको उन्होंने फॉलो करके इधर बड़ा गांव के पास रोका था। बड़ा गांव के पास राइजिंग स्कूल के पास रोका तो ट्रैक्टर चालक द्वारा अभद्रता व्यवहार करके शासकीय कार्य में बाधा डाली गई व धमकी दी गई। तो राजेश गंगेले जी की रिपोर्ट पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये आरोपी का नाम कान्हा यादव बताया जा रहा है। पुराना भी शायद थाना मुरार में कान्हा यादव के खिलाफ एक प्रकरण पंजीबद्ध है।